ऐसी सरकार बनाई जाए जो सरकार हिंदुओं को प्रताड़ित ना करे। जय जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि ने समझाने का प्रयास किया और हम लोग नहीं समझ पाए, अगर समझे होते तो शायद जो है ये रावण जो है कब का भारत से और हम लोगों के अंदर से भाग गया हो। हमारे अंदर भी एक अहंकार रूपी रावण है, हमें रावण का दहन करना पड़ रहा है। मनीष भैया को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज अगर हम लोग राम को जानते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन वो महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण, जिसमें 24,000 चौपाई संस्कृत में है। आज के समय में उस रामायण के बारे में हम लोग जानते हैं, सुने हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हर साल विजयादशमी के अवसर पे हमें रावण का दहन करना पड़ रहा है। हमारे अंदर भी एक अहंकार रूपी रावण है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने समझाने का प्रयास किया और हम लोग नहीं समझ पाए, अगर समझे होते तो शायद जो है ये रावण जो है कब का भारत से और हम लोगों के अंदर से भाग गया होता। अभी मैं इस मंच पे हूँ, इसके लिए जो है मैं भगत भैया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सभी के गार्जियन करमवीर भाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और यहाँ पे ये आए हैं। तो एक बार पहले आप लोग इनके लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और इनका एक एक मिनट कीमती है। उसके बावजूद हम जैसे लोगों का बात जो है वो यहाँ पे बड़ी शांति से सुन रहे हैं। इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी है कि महर्षि वाल्मीकि के नक्शे कदम पे चलते हुए झारखंड में एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो सरकार हिंदुओं को प्रताड़ित ना करे। जय जय श्री राम। अब इनके कंधे पे वो जिम्मेवारी जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसके बावजूद जो है ये अपना कितनी समय निकाल के हम सभी के बीच में आए हैं। साथ ही साथ जितने युवा आए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, जितने गार्जियन लोग हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए और भी बहुत सारा मंच है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी को अपने घर जाने के बाद यह निर्णय लेना है कि बूथ पे 11 आदमी को ले जाके राष्ट्रवादी पार्टी जो आपकी सुरक्षा करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी एक पार्टी को, जो पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे, बहन बेटियों की रक्षा करे, हमारे धर्म स्थल की रक्षा करे, झारखंड को आगे लेके जाए, देश को जो है विकास के रास्ते पे लेके आए, उस पार्टी के समर्थन में 11-11 वोट गिरवाना है। तैयार है आप लोग? तैयार है ना? हाँ, तब जाके महर्षि वाल्मीकि का सपना साकार होगा। और जैसे भव्य राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना है, वैसे ही आपके यहाँ झारखंड में किसी मंदिर के अंदर से कोई मूर्ति चोरी नहीं होगा, मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी नहीं होगा और विसर्जन के दौरान कोई विधर्मी जो है आपको परेशान करने का कोशिश नहीं करेगा। अभी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं आप लोग, समस्या होता है, लेकिन अगर सरकार बदल गई तो समस्या के जगह पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा आप लोगों के ऊपर। जय श्री राम। और महर्षि वाल्मीकि को समझिए, घर जाइए समझिए, और हो सके तो आप सभी से विनती है बर्थडे के दिन किसी को गिफ्ट में जो है ना कुछ दे या ना दे, लेकिन एक रामायण की पुस्तिका जो है ना जरूर बर्थडे के दिन या शादी के दिन जो है गिफ्ट में दे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।